सियालकोट पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक शहर है जो दरिया चनाब के किनारे वाकई है। 27 लाख आबादी वाला यह शहर लाहौर से 125 किलोमीटर के दूर पर है, जबकि मकबूजा जम्मू से सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर वाकई है। ज़िला सियालकोट की 4 तहसीलें हैं, तहसील सियालकोट, तहसील डस्का, तहसील पेशेरो, तहसील शामिल हैं। ये पाकिस्तान का एक अहम सनतनी और ज़राई शहर है जो काफ़ी मकदार में बरामदी एशिया जब सरजल खेलों का सामान, चमड़े की मसनूआत और कपड़ा पैदा करता है। सियालकोट की बरामद 1000 मिलियन अमरीकी डॉलर से तजावज कर गई है। चावल और गंदम की फसल बहुत अच्छी होती है। सियालकोट की शहर इकबाल भी कहा जाता है क्योंकि अजीम मुसलमान फारसी शहर कानूनदान और फ़िक्र अलामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर सन 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। ये पाकिस्तान का 12वां बड़ा शहर है। सियालकोट के शुमाल में दरिया चनाब और उस पार गुजरात, मशरक जम्मू मकबूजा कश्मीर शहर जम्मू, जनूब मशरक में नारवाल और जनूब में गुजरांवाला वाक़ है। सियालकोट शहर की तारीख 4000 साल बहुत पुरानी है। सियालकोट सल्तनत से लेकर कश्मीर तक आ जाता है, इस किले को तामीर किया गया था। सियालकोट को शहर इकबाल भी कहा जाता है कि अजीम मुसलमान फारसी शहर कानूनदान अलामा इकबाल भी 9 नवंबर 1970 को सियालकोट में ही पैदा हुए थे, क्योंकि ये सियालकोट मशहूर मारूफ शहर है। इसमें ज़्यादातर खेलों का सामान तैयार किया जाता है, चमड़े की चीज़ों की फैक्ट्री हैं और कपड़ा भी यहाँ की पैदावार का एक हिस्सा है।